हम एक बार फिर हाजिर हैं और मैं पापा से आज समझना चाहती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात कि जब हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी इंडियन या फिर आप उसको NRI कह दीजिए दूसरी विदेशी धरती पर है लेकिन वो भी ये कह रहा है कि जी हम तुम्हारी GDP में ऐड कर रहे हैं, क्या वाकई सब NRIs GDP में ऐड कर रहे हैं या फिर कुछ ही होते हैं जो कि हमारी GDP या हमारे देश को आगे बढ़ाने में उसकी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं और तभी तो हम उनको देशभक्त कहेंगे, वरना बाहर जाके तो पैसा कोई भी जाके कमाने लग जाए वहीं पर उड़ाता रहे तो क्या फर्क पड़ रहा है मेरे देश को, बताइए जरा। हर NRI GDP में कंट्रीब्यूट नहीं करता, अगर वो अपनी इनकम यहाँ इंडिया में भेजता है तो GDP का हिस्सा बनती है। ओके। अगर कोई अपनी इनकम वहीं रख लेता है तो GDP का हिस्सा नहीं है। उसी तरह से अगर कोई विदेशी हमारे यहाँ काम करता है और यहाँ तनख्वाह लेता है और अपनी इनकम अपने देश में ले जाता है तो वो हमारी GDP का हिस्सा नहीं है। ठीक उसी तरह से कोई विदेशी कंपनी हमारी धरती पर मान लो काम कर रही है, उसको प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट अपने यहाँ ले जाते हैं, तो वो प्रॉफिट हमारी GDP का हिस्सा नहीं है। तो मैं ये समझ रही हूँ पापा कि जो लोग वहाँ जाके बस गए हैं, जिनका तो यहाँ ना बच्चा है ना उनके माता पिता हैं, या माता पिता हैं भी लेकिन उनको पैसा भी नहीं भेजते हूँ, तो वो अपने आप को जबरदस्ती ये देशभक्ति के उसके अंदर ना लेकर, क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी को बढ़ा नहीं रहे क्योंकि वो पैसा ही नहीं भेज रहे हैं। वो कुछ भी कहते रहे हाँ। लेकिन ये कि GDP में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, हमारी GDP में कुछ नहीं है, वो अपना वहां पर जाके अपनी कमाई कर रहे हैं, खुद डॉलर में कमा रहे हैं, डॉलर में ही खर्च कर रहे हैं हाँ। रुपए में उसको खर्च करवाओ ना तब जाके हमारी GDP अच्छी होगी। अगर वो पैसा वहां कमाए और यहाँ भेजे हाँ। तब हम मानेंगे कि वो हमारे देश के विकास में योगदान कर रहे हैं। हाँ तो देखिए उनको आप लोग इस तरह से ट्रीट करते हैं क्यों, क्योंकि भैया अमेरिकन है, लंदन में रहते हैं, और आपकी अपनी मेड जिसको कई लोगों ने पैसे नहीं दिए कोविड के टाइम पे, पापा जरा बताइए कि वो जो आपने पैसा नहीं दिया आपने कितना बड़ा देशद्रोह का काम कर दिया, क्योंकि आपने इकोनॉमी को डाउन कर दिया। बिल्कुल कैसे बिल्कुल, अगर आप मेड को पैसा देते तो वो GDP का हिस्सा बनते, और आपने मेड को पैसा नहीं दिया आपने खुद ही काम कर लिया तो वो GDP का हिस्सा नहीं है। सवाल ये आएगा कि मैंने जो पैसा बचा लिया हाँ। वो क्यों नहीं है GDP का हिस्सा? क्योंकि वो बचा था, मेरी खपत नहीं है। GDP इज ऑल अबाउट खपत हाँ, जो मेरी कंजम्पशन नहीं है। और मेरी जो कंजम्पशन है या मेरा जो खर्च है वो किसी दूसरे की इनकम है। मैं जो खर्च करूंगा वो दूसरे के पास जो जाएगा वो इनकम माना जाएगा। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई है और अगर आपने ये वाला वीडियो पहले देखा तो जरा पहले वाला देखिएगा, वो पहले आपको जब तक आप क्लास में वो पहली वाली बात नहीं समझेंगे तो सिलेबस में आगे बढ़ गए हम, उसको पहले सुनिए देखिए उसके बाद आप समझ पाएंगे कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि खपत ही GDP होती है। यस, कंजम्पशन, पर्सनल कंजम्पशन या बिजनेस हाउसेज की कंजम्पशन जो है ना, एक्सपेंडिचर जिसको आप इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, इसके अलावा सरकार का एक्सपेंडिचर, सरकार का किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर, इसके अलावा नेट जो एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट का मतलब यह है कि आप एक्सपोर्ट भी करते हैं इंपोर्ट भी करते हैं, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो नेट है। तो मान लो आपने 10 रुपए का एक्सपोर्ट किया, 5 रुपए का इंपोर्ट किया, तो नेट एक्सपोर्ट हमारा कितना हुआ? 5 रुपए। तो वो 5 रुपए GDP में जुड़ जाएंगे। ओके ओके, ठीक है ना। और NRI तो मैंने आपको पहले बताया, एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट कम होना चाहिए, है ना? तो तभी हमारी GDP बढ़ेगी। अगर मान लो हमने इंपोर्ट ज्यादा कर लिया तो हमारी GDP नीचे चली जाएगी। इसके अलावा ये जो हम बात कर रहे हैं ये एक तरह से नॉमिनल GDP की बात कर रहे हैं, एक नेट GDP होती है। अच्छा। क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन का, जिसे बहुत भारी भरकम शब्दों में हिंदी में कहा जाता है मुद्रास्फीति, ये क्या होता है, मैं भी डर जाती हूँ। अब वो इन्फ्लेशन भी बहुत भारी भरकम शब्द है और मुद्रास्फीति, अब वही सुन के देखो भाग जाएंगे ये लोग। हाँ, सुन लो, रुक जाओ, समझ आ जाएगा। मतलब ये कि जो दाम बढ़ते हैं ना उसको हम मुद्रास्फीति बोलते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब ये है कि जब आपके पास परचेजिंग पावर ज्यादा होती है और सामान कम होता है, ओ मतलब सप्लाई कम है लेकिन आपके पास पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, ओके, तो दाम बढ़ने हैं। हाँ। इसलिए वो कहा गया है कि जब ज्यादा पैसा कम सामान का पीछा करता है, ज्यादा पैसा कम सामान का पीछा करता है तो दाम अपने आप बढ़ जाते हैं।
जिस आप जरा ये रिमोट कंट्रोल है, देखो ये एसी का रिमोट है, इससे आप जरा एग्जांपल बताइए, ये कि एसी का रिमोट है, अब ये जैसे इसका पैसे का बताओ, कोई चीज है ये अभी 200 रुपए की है मान लो, और मैं दुकान में खरीदने गया और उसके पास एक ही पीस है, लेकिन मेरे साथ साथ एक आदमी और चला गया, ठीक है, और वो कह रहा है कि सब मैं इसको 200 रुपए में बेचूंगा, मतलब हम दोनों को चाहिए एक पीस, एक ही पीस चाहिए और एक ही रखा हुआ है, तो मेरी जेब में 200 रुपए तो नहीं है, मैं 180 रुपए देने को तैयार हूँ, ठीक है, लेकिन दूसरा कह रहा है कि नहीं भाई ये मुझे चाहिए, मैं 200 रुपए आपको दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये दाम वो कंफर्म हो गया कि ये 200 रुपए में बिक सकता है, ठीक है, दुकानदार इसे 200 में बेचेगा, 200 में बेच दिया, दोबारा फिर एक पीस लेकर आया और फिर उसके बाद इसकी डिमांड आई, क्योंकि मैंने बताया ना एक चीज की डिमांड ज्यादा हो जाती है तो उसका प्राइस भी बढ़ता है, तो उसके प्राइस में फिर दोबारा आए, तो दुकानदार ने कहा कि ये मेरा सामान तो ऐसा है कि 200 रुपए से ज्यादा भी बिक सकता है, मैं 200 का क्यों बेचूं, तो कहेगा साहब ये अब इसके दाम बढ़ गए, मैं 225 रुपए बेचूं, तो एक आदमी के पास पैसा है, पर्स भरा हुआ उसका, वो कहेगा ले 225 रुपए ये मुझे दे, अब उसको प्रॉब्लम नहीं है ना खरीदने में, अब वो 180 वाला कह रहा है कि चलो मैं 200 देने को तैयार हूँ, लेकिन वो कह रहा है कि मेरे पास 225 वाला भी तो ग्राहक है, वो देने को तैयार है, अगली बार फिर वो एक पीस लेकर आया और फिर उसको लगा कि अरे ग्राहक तो लगातार इसके आ रहे हैं, कई डिमांड आ चुकी है इसकी, 250 रुपए का कर दिया, तो फिर दूसरे उसका कहेगा सर ये अभी इसके दाम बढ़ गए 250 रुपए, एक आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका पर्स भरा हुआ है, कहता ले ना तू 250 रुपए ले, तो मुझे दे इसको, तो ये पापा मेरे को वैसे ही हुआ कि जैसे कोई हमें बोलता है यार जो है ना सदर बाजार में जाके खरीदा करो वहां पे सस्ता मिलेगा, मैं कहूंगी यार मेरे को जाना पड़ेगा, इतना मेरा टाइम स्पेंड होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, और उतने में जितना मैं खर्चा वो करूंगी थोड़ा सा चलो एक्स्ट्रा मैं यहाँ से ले लेती हूँ रिटेलर से, तो मैं वहां नहीं जा रही, क्यों, क्योंकि मेरे पास पैसा है। सो आई एम रेडी टू पे इवन मोर फॉर माय ओन कन्वीनियंस, वो आदमी भी इसीलिए पे कर रहा है कि उसको लग रहा है मुझे हर तरह की शॉप के चक्कर काटने पड़ेंगे इस 20-25 रुपए के लिए, यार तू ले दे दे मुझे, क्योंकि मेरे पास पैसा इतना है, जिसके पर्स में ज्यादा पैसा होगा वो ज्यादा पैसा देकर ले आएगा, और जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे ज्यादा पैसा देने वाले लोग भी सामने आएंगे और दाम अपने आप बढ़ते चले जाएंगे, तो इसका मैं भूल गई, इसका रिलेशन आपने जीडीपी से क्या बताया था, जीडीपी से ये था कि जो रियल हमें नेट मतलब वो निकालनी है, जीडीपी निकालनी है, अभी तक तो नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे थे, तो अब ये जो रियल जीडीपी है उसमें हमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट निकालना पड़ेगा, कि जैसे महंगाई इसका मतलब जीडीपी, पापा एक सेकेंड मैं ये समझी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर जीडीपी बढ़ी हुई दिख रही है इसका मतलब उसके अंदर महंगाई का भी पोर्शन है, यानी कि महंगाई भी बढ़ी थी, उसको कैलकुलेट करने को बोल रहा हूँ, उसको कैलकुलेट, जैसे मान लो हमारे इन्फ्लेशन रेट 7% है, 5% है, तो 5% उसका इम्पैक्ट निकालना पड़ेगा तब हम उसे रियल जीडीपी बोलेंगे, तो अगर बोल रहे हैं कि 7% ग्रोथ पे हम लोग हैं तो उसका पहले इन्फ्लेशन रेट निकालिए फिर देखिए, फिर हो सकता है आपका जीडीपी कुछ 4 या 5% ही हो असल में, और नहीं जो अभी हम जो बात करते हैं ग्रोथ रेट की, वो ग्रोथ रेट हम रियल जीडीपी के आधार पर निकालते हैं, ठीक है, उसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट घटा कर निकालते हैं, फिर वो उसके बाद रियल जीडीपी निकालते हैं और उसके बाद फिर वो हम ग्रोथ रेट निकालते हैं, ओके, ऑलराइट। ये भी कई बार होता है कि जीडीपी हमारी बढ़ी हुई दिखती है, तो ये इम्पैक्ट भी हमें देखना पड़ेगा कि जीडीपी में जो है ना ब्लैक मार्केटिंग का, जीडीपी में भी ब्लैक मार्केटिंग होती है, नहीं उसमें कंट्रीब्यूशन, अच्छा ब्लैक मार्केटिंग का कंट्रीब्यूशन, ओके, लेकिन मैं उसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ कि कई बार क्या होता है कि जो ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो लीगलाइज नहीं है, एक्टिविटीज तो होती हैं, एक्सपेंडिचर भी होता है, लेकिन वो जीडीपी का हिस्सा नहीं बन पाता, क्योंकि जो कहीं पर भी उसमें अकाउंटिंग में नहीं आ पाती है, ऑफिशियल फिगर नहीं बन पाती है, जैसे कुछ लोगों ने अपनी फैक्ट्री में ऐसे लोग रख लिए जिनका रजिस्टर में नाम ही नहीं है,
अच्छा। वो आते हैं, काम करते हैं, उनको पैसा भी चुकाया जाता है, लेकिन ऑफिशियल फिगर में कहीं भी नहीं है। ओके, ठीक है ना। ओके, इसके अलावा बहुत सारी चीजें ब्लैक मार्केटिंग में बिकती हैं। अभी हाल का एग्जांपल, कोरोना में एक इंजेक्शन जो था वो उसकी कीमत 6,000 रुपए बताई जा रही थी। तो मेरे किसी परिचित ने फोन किया, उनके मौसा जी बीमार हुए थे और फरीदाबाद इंजेक्शन लेने जाना था। तो उन्होंने कहा जी 60,000 रुपए में ब्लैक में खरीदा हुआ रेमडेसिविर का क्या? हाँ, हाँ बिल्कुल। ओके, वो 6,000 रुपए का इंजेक्शन 60,000 रुपए में खरीदा और उन्होंने कहा इससे कम कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। तो ये जो 60,000 रुपए है ये ब्लैक का मनी है, वो कहीं पर भी उसकी अकाउंटिंग नहीं है और वो जीडीपी में नहीं जुड़ पाता। हाँ, तो खर्च आप कर रहे हो, लेकिन कर रहे हैं, उसके बावजूद आप जीडीपी में ऐड नहीं कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि जो लीगलाइज्ड एक्टिविटी है उन्हीं का जो कंजम्पशन है वही जीडीपी में, वही जीडीपी में जुड़ा। ओके ओके, ठीक है ना। ओके, मुझे लग रहा है कि लोगों को बहुत हद तक ये बात समझ में आ गई है। तो देखिए, आसान भाषा में अगर इकोनॉमिक्स पढ़नी है, मैं इसलिए इस बात को समझ सकती हूँ कि आसान भाषा में इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मुझे भी भारी भरकम शब्द देख के अचानक से मुझे लगता है कि फीवर हो जाता है देख के समझ में नहीं आता कि ये क्या है भगवान। बहुत बार पढ़ना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, कई सारे आर्टिकल्स पढ़ो फिर समझो, फिर उसको उस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं उन सब भारी भरकम शब्दों को आपके सामने अच्छे ढंग से एकदम ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ पापा समझा पाए, क्योंकि ये समझाने में बहुत अच्छे हैं। और बिल्कुल जो बड़े बड़े टर्म्स है ना कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ये सब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे आसान भाषा में, सो दैट यू नेवर फॉरगेट दैट व्हाट इट रियली इज। और इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, डरने की जरूरत नहीं है, और आपको इकोनॉमिक्स समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, हम रोजमर्रा के जीवन में ही अर्थशास्त्र देखते हैं, इकोनॉमिक्स देखते हैं रोजमर्रा के जीवन, और समझेंगे नहीं ना तो फिर आप सवाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए सवाल करने के लिए, आपको उस लायक बनाने के लिए आपको पहले उसको समझना जरूरी है। इसलिए मेरी कोशिश है कि आपको समझाएं, उसके बाद आपको जैसे समझ में आए वैसे आप सवाल कीजिए, हम आपको सवाल नहीं फूट। बिल्कुल अनपढ़ लोगों को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो एक उसका इकोनॉमिक्स का एक टर्म है वो अप्लाई करते हुए देखा है। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बताया, इसके बारे में हम अगली बार बात करेंगे, अगली बार करेंगे अगले एपिसोड में बात करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। अब आप सोचोगे फिर देखो इकोनॉमिक्स की टर्म आ गई, नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं अनपढ़ लोगों तक ने इसका इस्तेमाल किया है, और कैसे किया है, कैसे समझा है, वही इस्तेमाल को तो एक टर्म देकर आपको बताया जाता है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम रोजमर्रा के जीवन में अर्थशास्त्र का इस्तेमाल करते हैं, हम सारे अर्थशास्त्री हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि हम अर्थशास्त्री हैं। तो आप सबको अर्थशास्त्री बना के छोड़ना है, और आपकी वजह से मैं भी बन जाऊंगी देखना ना भूले पापा, प्लीज इकोनॉमिक्स पढ़ा दो।